हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एम्स। आज बात करेंगे वर्गीकी विज्ञान के प्रमुख लक्ष्यों के बारे में। तो जो आधुनिक वर्गीकी विज्ञान है उसमें तीन लक्ष्य रखे गए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकी विज्ञान के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं जो कि कह सकते हैं व्यापक रूप से स्वीकार्य किए गए हैं। तो जो सबसे पहला लक्ष्य है वो ये है कि एक ऐसा सुविधाजनक पद्धति या प्रणाली प्रदान करना, किसके लिए? पादपों की पहचान और संप्रेषण के लिए। कह सकते हैं अपन पादपों की पहचान और संप्रेषण के लिए एक सुविधाजनक पद्धति प्रदान करना। दूसरा जो लक्ष्य है वो ये है कि एक ऐसी वर्गीकरण की प्रणाली प्रदान करना जो कि पादपों के प्राकृतिक संबंधों को एक्सप्रेस करे, या जो पादपों की प्राकृतिक संबंध है उनकी विवेचना करे। तीसरा जो लक्ष्य है वो है कि उद्विकास को या उद्विकास की पहचान करना, उसकी प्रक्रिया की खोज करना तथा परिणामों की विवेचना या व्याख्या करना। पहला लक्ष्य है एक ऐसा सुविधाजनक मेथड या पद्धति देना जिससे पादपों की पहचान और संप्रेषण हो सके, और दूसरा लक्ष्य है एक सुविधाजनक वर्गीकरण प्रणाली देना जो पादपों के प्राकृतिक संबंधों को दर्शाए, तीसरा जो उद्विकास है उसको पहचानना, उसकी प्रक्रिया की खोज करना और जो रिजल्ट्स या परिणाम है उनकी व्याख्या या विवेचना करना। अब जो दो पहले एम हैं उनको पूरा करने के लिए जो दृष्टिकोण अपने को चाहिए, जो अप्रोच चाहिए वो है एम्पिरिक या अनुभवजन्य। अब जो अनुभवजन्य अप्रोच या दृष्टिकोण है ये आधारित है ऑब्जर्व या दृष्टिगत प्रकृति पर। जो भी कैरेक्टर हैं दृष्टिगत या ऑब्जर्व उनको उनके ऊपर ये आपके जो दृष्टिकोण है वो आधारित है, और इन ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स के आधार पर, यही कह सकते हैं, इन ऑब्जर्व कैरेक्टर्स की वजह से जो वर्गीकरण निकल कर आएगा वो होगा एक बेसिक क्लासिफिकेशन या आधारभूत वर्गीकरण। तो कह सकते हैं अपन कि पहले दो जो एम्स हैं, यानी कि एक सुविधाजनक प्रणाली जिससे पादपों की पहचान की जा सके और एक वर्गीकरण प्रणाली जो पादपों के या जीवों के क्या बताए, प्राकृतिक संबंध बताए, इन दो चीजों के लिए जो दृष्टिकोण अपने को चाहिए, इन दो लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो दृष्टिकोण चाहिए वो है एम्पिरिकल यानी अनुभवजन्य, जो आधारित है दृष्टिगत कैरेक्टर्स के ऊपर, और इसके वजह से जो क्लासिफिकेशन बनेगा वो बनेगा आपके एक बेसिक क्लासिफिकेशन या आधारभूत वर्गीकरण। तीसरा जो लक्ष्य या तीसरा जो एम है उसके लिए आपको चाहिए एक इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, यानी कि अपन कह सकते हैं एक विवेचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है तीसरे लक्ष्य की पूर्ति के लिए। तीसरा कह सकते हैं तीसरा लक्ष्य कौन सा था, तीसरा लक्ष्य था ये जहां पे अपन उद्विकास की पहचान कर रहे थे, उसकी प्रक्रिया की खोज कर रहे थे, इसके लिए अपने को चाहिए एक इंटरप्रिटेटिव या विवेचनात्मक दृष्टिकोण। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो वर्गीकरण की प्रणालियां हैं उनके अंदर सुधार होगा, और जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, जो विवेचना की जाएगी, उसका जो आधार होगा वो होगा आपके उद्विकासीय और जातिवृत्तीय रूप से, यानी जातिवृत्तीयता तथा उद्विकास को सम्मिलित किया जाएगा वर्गीकरण के अंदर, जिसके वजह से जो वर्गीकरण है उसके अंदर आपको सुधार देखने मिलेगा, वो इम्प्रूव होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो जो नॉलेज है यूनिवर्स फ्लोरा की, फ्लोरा को हिंदी में अपन कह सकते हैं वनस्पति जात, मींस
एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर या एक विशेष समय के अंदर एक क्षेत्र में पाए जाने वाली सभी वनस्पतियों को एक फ्लोरा के अंदर या वनस्पति जात में सम्मिलित किया जाता है। तो यूनिवर्स फ्लोरा की बात करें तो पूरे जो संसार की जो फ्लोरा है, वनस्पति जात है, उसकी जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा अनइवन है, बहुत ज्यादा असामान्य है, ठीक है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है या इसका जो वर्गीकरण है उसको अपन कह सकते हैं कि वो अधिव्यापित है एक दूसरे पे, वो एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है, या उसके अंदर अधिव्यापित या ओवरलैपिंग अवस्थाएं अपने को देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं अपन, बात करते हैं पायोनियर और एक्सप्लोरेटरी फेज की, या अपन कह सकते हैं पायोनियर मीन्स सबसे पहले जो आपके पहले की जो फेज है, फर्स्ट जो फेज है, जो शुरुआती फेज है, या जिसे अपन एक्सप्लोरेटरी फेज कहते हैं, यानी कि खोजपूर्ण अवस्था जिसे अपन कह सकते हैं। तो पहली अवस्था है आपके प्रारंभिक या खोजपूर्ण अवस्था। अब इस अवस्था में क्या था, इस अवस्था में जो आपके कंसर्न रखा गया या इसके अंदर सामान्यतः जो पादप है उनकी पहचान के ऊपर जोर दिया गया, खोजपूर्ण अवस्था थी, पादपों की पहचान इसके अंतर्गत की गई। जो फ्लोरा थी वो आपके संबंधित थी किससे, हर्बेरियम का जो मटेरियल था, हर्बेरियम जो बनाए गए थे उसके ऊपर आधारित थी। तो वहीं से जो प्लांट्स के नेम वगैरह या जो पहचान है वो ली गई। नेक्स्ट जो फेज है वो कहलाती है आपकी कंसोलिडेशन फेज, जिसे अपन कह सकते हैं एकीकरण अवस्था या समेकित अवस्था जिसे कहते हैं अपन। यहाँ पे जो पादप हैं या जो प्रजातियां हैं उनकी जो स्टडी की गई, उनकी जो अपन कह सकते हैं उनके बारे में जो पढ़ा गया या उनकी जो खोज की गई, पहचान की गई, वो ना केवल हर्बेरियम में की गई बल्कि फील्ड में भी, क्षेत्र में जाकर, बाहर फील्ड में जाकर के भी जो नई पादप प्रजातियां हैं उनकी पहचान की गई। तो हर्बेरियम के साथ साथ में जो प्रजातियां हैं उनकी जो स्टडी है वो फील्ड में भी की गई। साथ ही साथ इस फेज के अंतर्गत प्रारंभ कर दिया गया था जो वनस्पति जात है उनका प्रकाशन आरंभ कर दिया था, फ्लोरा का प्रकाशन आरंभ कर दिया, साथ ही मोनोग्राफ्स का भी प्रकाशन आरंभ कर दिया था। अब जो फ्लोरा और मोनोग्राफ्स हैं इसके बारे में अपन अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर बात करेंगे, जब अपन बात करेंगे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में। तो मोनोग्राफ से विशेष अपन कहते हैं कि किसी टैक्सोन की संपूर्ण जानकारी उसके अंतर्गत निहित रहती है, विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे। तो जो मोनोग्राफ्स हैं या जो फ्लोरा हैं उनका प्रकाशन इस कंसोलिडेशन फेज या समेकित अवस्था के अंदर आरंभ कर दिया गया था। साथ ही साथ अब जो नॉलेज था या जो प्रजातियां थी उनको ना केवल हर्बेरियम में बल्कि जो फील्ड है उसके अंदर भी स्टडी किया गया था। नेक्स्ट जो आती है वो फेज आती है आपके बायोसिस्टेमेटिक फेज, यानी कि अपन कह सकते हैं जैव वर्गी की अवस्था। इस अवस्था के अंदर जो आपके भौगोलिक हैं या अपन कह सकते हैं भौगोलिक तथा इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकीय विविधताओं को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो भौगोलिक और पारिस्थितिकीय विविधताओं को इस अवस्था के अंतर्गत लिया गया, किस आधार पर, कोशिकीय आधार पर, जिसके अंदर सम्मिलित था क्या, आकारिकी, गुणसूत्रों की संख्या, प्रजनन व्यवहार तथा प्रजनन अवरोध। हम कह सकते हैं इस अवस्था के अंदर, या यूं कह सकते हैं कि जैव वर्गी की अवस्था के अंतर्गत भौगोलिक तथा पारिस्थितिकीय विविधताओं को सम्मिलित किया गया, किस ग्राउंड पे, किस आधार पर, कोशिकीय आधार पर, जिसके अंतर्गत सम्मिलित थे आपके आकारिकी, गुणसूत्रों की संख्या, प्रजनन व्यवहार और प्रजनन अवरोध। नेक्स्ट जो फेज आती है वो आती है आपके एनसाइक्लोपीडिक फेज, या अपन कह सकते हैं सार संग्रहित अवस्था से, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो एविडेंस थे
वो तीनों की तीनों फेजेस से लिए गए, यानी कि तीनों फेजेस का मतलब क्या कि पायनियर फेज से भी लिया गया एविडेंस, कंसोलिडेशन फेज या एकीकृत समेकित अवस्था से भी लिया गया, जैववर्गीय की अवस्था से भी लिया गया। तो तीनों इन अवस्थाओं से जो एविडेंसेस प्रमाण थे वो यहाँ पे लिए गए। साथ ही साथ क्या किया गया, अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया, किसको, वर्गीकी और उद्विकासीय संबंधों को। तो वर्गीकीय और उद्विकासीय संबंधों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया। हर एक जो आपके वर्गीकी यूनिट या इकाई है उसके ऊपर, तो अपन कह सकते हैं प्रत्येक वर्गीकी इकाई या प्रत्येक वर्गीकी सोपान के ऊपर जो वर्गीकी और उद्विकासीय संबंध है उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया। और इसके अंतर्गत एविडेंसेस या प्रमाण लिए गए पूर्व में बताई गई तीनों अवस्थाओं से। साथ ही यहाँ पे जो एम्फेसिस दिया गया, जो जोर दिया गया, वो दिया गया इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज के ऊपर, यानी कि अभी तक जो बल था वो इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज पे नहीं था। वो कह सकते हैं अपन कुल तक अपन बात कर सकते हैं, गण तक अपन बात कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो बल दिया गया वो दिया गया आपके इंफ्रा स्पेसिफिक लेवल पे, यानी कि जो स्पेसिफिक लेवल है उसके नीचे की जो कैटेगरीज है उसके ऊपर बल दिया गया, जैसे इको टाइप्स हो गए, इको पिन्स हो गए और पायर टाइप्स हो गए, जिनके बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।